हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशम फैशन और मैं हूँ ऐश्वर्या। और इन दिस वीडियो में आपके साथ शो करने जा रही हूँ कि आप मेहंदी का गोल किस तरह से बनाएं। यस गाइस, मेहंदी का गोल बनाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। उसमें क्या क्या मिलाना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे और उसे कैसे लगाना है, कब लगाना है, किस में आपको घोलना है, वो सब कुछ वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें और मेरे और आपके बीच कनेक्शन की कोई दूरी ना रहे। इस वीडियो में मैं आपको शो करने जा रही हूँ कि आपको मेहंदी का गोल किस तरह से बनाना है। इसे मैंने कौन सी मेहंदी ली है, 4 इंग्रेडिएंट्स में मिलाए हैं, जिससे आपके बाल जो है कहीं कहीं वाइट होते हैं तो वो रेड हो जाएंगे। इस टाइम ट्रेंड चल गया है कलरिंग का ट्रेंड चल गया है, तो हम थोड़े से बाल वाइट होते हैं तो उसको हम कलरिंग करा लेते हैं। पर अगर आपके बहुत थोड़े से बाल वाइट हैं तो उसको कलरिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेहंदी से इसका अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। चलते हैं अपने वीडियो में बिना किसी बकबक के, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम एक स्टील का बर्तन ले लेंगे और उसको गैस पर रख देंगे। उसमें 1.5 बाउल पानी डाल देंगे और उसमें हम चायपत्ती डालेंगे। आप कोई भी चायपत्ती ले सकते हैं, यहाँ मैंने ब्रुक बॉन्ड ताज़ा की चायपत्ती ली है। इसको हम उबालेंगे। देखिए वो उबल गया काफ़ी अच्छे तरीके से, ये उबल गए हैं और गैस को धीमा कर देंगे। और मैंने यहाँ पे एक जग लिया है, उस पर छन्नी लगाई है, इससे हम उसको छान लेंगे। और ये देखिए रेडी हो गया है हमारा ये चायपत्ती का गोल, तो हम इसको छान लेंगे। इस तरफ आपको छानना है। और ये बची हुई चायपत्ती को आप फेंक सकते हैं या तो आप गमले में भी डाल सकते हैं। फिर हम एक पैन में, उसी पैन में धुल के उसमें एक बाउल पानी लेंगे और इसमें हम डालेंगे मेथी, क्योंकि मेथी से टेक्सचर बाकी येलो कलर का आता है और वो हमारे मेथी हमारे बालों के लिए काफ़ी स्मूथनिंग और लाइटनिंग करने में एजेंट का काम करती है। सो इसमें हम डाल दिए आधा चम्मच मेथी। इसको हम बॉईल होने देंगे। देखिए काफी अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है। इसमें येलो कलर आपको दिख रहा होगा, कितने तरीके से दिख रहा है। ये काफी अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए भी। मेथी यूज करते हैं वैसे तो हम आज मेहंदी का गोल बना रहे हैं, तो इसको फिर हम छान लेंगे उसी बर्तन में जिसमें हमने चायपत्ती का गोल बना के रेडी किया था और उसमें छाना था। तो उसको हम छान लेंगे और जो बची हुई ये मेथी होगी उसको हम फेंक देंगे। तो मेथी को नहीं डालना है। और अब ये देखिए हमारा ये दोनों का गोल जो चायपत्ती मेथी का रेडी हो गया है। इसमें हम डालेंगे अब 2 एलोवेरा की लीव्स। ये कुछ इस तरह से दिखती है एलोवेरा की लीव्स। किनारे के इसकी धारियाँ जो हैं, इसके जो धार होते हैं उसको हम कट कर लेंगे, जिसको मैंने अभी कट करके इधर साइड का रखा हुआ है। इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे, इसका जेल निकालना है हमें बेसिकली। तो इस तरह से आप इसका एक्सट्रैक्ट चम्मच की हेल्प से या फिर नाइफ की हेल्प से निकाल लेंगे। इसको हम मिक्सिंग जार में डालेंगे और एक रन देंगे छोटा सा, ताकि ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाए। ये देखिए लिक्विड के फॉर्म में अब आ गया है, काफ़ी बबल के फॉर्म में है। अब इसको हम अपने उसी जग में जिसमें हमने चायपत्ती और मेथी को डाला हुआ है उसी में डालेंगे। सो इसको डाल देते हैं। कुछ इस तरह से आपको डालना है इसको। एंड स्पून की हेल्प से आपको इसको मिक्स करना है। मिक्स इट वेल प्रॉपरली। तो अच्छे से आपको मिक्स करना ताकि अच्छे से ये उसमें घुल जाए, तीनों चीज़ मिक्स हो जाए, मेथी, चायपत्ती और ये कॉफी पाउडर, सॉरी एलोवेरा जेल। अब हम लेंगे एक कॉफ़ी पाउडर का ये पाउच, ये 10 रुपए की आती है। इसका हमें 1 चम्मच चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ले लिया है और अब हम इसको इसमें डाल देंगे। एंड देन मिक्स इट वेल प्रॉपरली। सो इट इज रेडी। मिक्स। इसके बाद हम लेंगे अपनी मेहंदी, जो मैंने यहाँ पर नुपुर हीना 100% प्योर हीना गोदरेज मेहंदी ली है। सो ये आती है कुछ इस तरह के पैकेजिंग में, ग्रीन कलर का ही पैकेजिंग होता है। इसकी प्राइस सो प्राइस यहाँ पे 35 रुपीज है। ये मैंने उल्टा कर लिया, ये सीधा है। सो 35 रुपीज आपको शो हो रहा होगा, 35 रुपीज की है। ये इनफ होगी मेरे हेयर के लिए। आप देख लो आपका हेयर कितना छोटा कितना बड़ा है, कितना कुछ यूज करना है। अब हम लेंगे कढ़ाई, जो काले कलर की ये काढ़ी वाली कढ़ाई होती है ना, लोहे की कढ़ाई होती है, ये हम लेंगे। काली कढ़ाई में आप मेहंदी को जरूर घोलिएगा, स्टील में आप नहीं घोलिएगा, स्टील में नहीं घोला जाता है क्योंकि इसमें जो मेहंदी का रंग है वो काफी अच्छा आता है। और इसको चम्मच की हेल्प से हम मेहंदी को पूरा अच्छे से घोलेंगे। चलिए मेहंदी को डाल देते हैं। मेहंदी को मैंने डाल ली है कुछ इस तरह से, आपको बहुत थोड़ा सा दिख रहा होगा बट ये थोड़ा नहीं है। अभी आप देखना कितना ज्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा फैला लेते हैं कुछ इस तरह से। अब इसमें हम अपना बनाया हुआ घोल, चाय पत्ती, मेथी, एलोवेरा जेल और कॉफी पाउडर वाला जो है हमने जूस टाइप के घोल टाइप का बनाया है, उसको इसमें डालेंगे और थोड़ा सा डाल के फिर मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा डाल के फिर मिक्स करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो काफी काही ग्रीन कलर का आने शुरू हो गया है। सो मिक्स 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 कीजिए आप इसको अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं ये काफी काही ग्रीन कलर का टेक्सचर आपको दिख रहा होगा। फिर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे अपना पेस्ट घोल जो मैंने बनाया था, एंड फिर इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स इट वेल प्रॉपरली गाइस। आप चाहे तो पत्ते वाली मेहंदी भी ले सकते हैं। मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अभी भी इसमें देखिए मोटे मोटे कुछ थक्के टाइप के होंगे, तो उसको भी हम चम्मच से बहुत अच्छे तरीके से हिलाते हुए, बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली मिक्स करते हुए करेंगे ताकि ये अच्छे से इसका सब थक्का थक्का जो भी है ये सब हट जाए, एकदम थिक हो जाए। ये देखिए इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से होगी। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट, कितनी थिकनेस टाइप की रेडी हो गई है। सो इस तरह से आपको बनानी है ये पेस्ट मेहंदी का घोल, एंड इसको हम कवर करेंगे एक प्लेट से। इस तरह की आप प्लेट ले लो, स्टील की ले लो, और इसको फिर कवर कर दो, सुबह तक कवर कर दो। आप इसको रात में ही ये घोल रेडी करके रखें और फिर सुबह आप इसको अपने बालों में अप्लाई करें, आपके लिए काफी अच्छा होगा। इस सुबह इस तरह से आपको ये शो हो जाएगा, इस तरह से आपको दिखेगा। देखो इसमें मैं जो काली कढ़ाई है, हमारी लोहे की कढ़ाई है, इसका आप ही कलर। सो गर्ल्स देखा आपने किस तरह से आपको मेहंदी का घोल बनाना है, और ये कब बनाना है, रात में बनाना है और सुबह लगाना है, काली कढ़ाई में बनाना है। इस तरह से आपको मेहंदी का घोल बनाना है और अपने बालों में आप लगाइए। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। फिर मिलते हैं अपने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, बाय बाय गाइस।